ध्यान से देखो तो इसमें भी ऑरेंज कलर है, मतलब ये तो ऑरेंज ही है, यहाँ पर भी हल्का ऑरेंज टिंट है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब बहुत बार परेशानी ऐसी होती है कि डार्क सर्कल कम और हम ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा डार्क ले लेते हैं, तो मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है। अगर आप सोचोगे कि इतना लाइट ऑरेंज कलर से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए मेरे इन डार्क सर्कल्स को, जो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क होते तो मैं ये या फिर ये सिलेक्शन में मैंने ज़रूरत से ज़्यादा डार्क या फिर वाइब्रेंट ऑरेंज कलर लिया है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी ली है। दोनों का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि आफ्टर दोनों कैसे दिखता है, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने एक ऐसा शेड लिया है जो मेरे स्किन टोन से एग्जैक्ट सेम मैच करता हो, और इस साइड में मैं एक ऐसा शेड लूँगी जो मेरे स्किन टोन से थोड़ा ज़्यादा डार्क हो या फिर वन शेड डार्क। जहाँ पर मैंने परफेक्शन के साथ में प्रोडक्ट लिया है तो वहाँ का डार्क सर्कल आप देख सकते हो पूरी तरीके से हाइड हो चुका है, और यहाँ मैं कितनी भी कोशिश करूँगी ये अच्छे से हाइड नहीं होगा, और जब फोटोग्राफर फोटोग्राफी करेगा सो ये बहुत ही अलग से टिंट देगा। सो आपको ये रील कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसे आपको बहुत सारे कंटेंट देखने हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है।